नौवीं जमात दे प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल बच्चों, असी तुहाडा वार्तक भाग शुरू किया है जिस दे विच अज असी चौथा वार्तक ढोल ढमक्का जो कि लाल सिंह कमला अकाली जी की रचना है ये निबंध नूं पढ़ांगे ते समझांगे। ढोल ढमक्का, ढोल ढमक्के दे नाम तो ही सानूं समझ आ जाती है कि इसका भाव है रौला गौला। तो ये कित्थों का रौला गौला है, आओ इस दे बारे पढ़िए। दुनिया विच हर एक बंदा अपनी पहुँच अनुसार रौला पाउण दा यतन करता है। अजिहे लोग बहुत घट हैं जिहड़े दुनिया नूं सुखी अते शांत देखना चाहते हैं। रौला पाउण वाले लोगों का मतलब हुंदा है कि दूजिआं नूं उल्लू बना के अपना मतलब कढ़ना। जिहड़ा इस खेड विच सफल हो जाता है दुनिया उस नूं अपने मोढ़िआं उत्ते चुक लैंदी है, पर असफल रहण वाले पैरां हेठ लताड़े जाते हैं। पिछली जंग विच जर्मना ने पहले हल्ले विच ही फ्रांस ते बेलजियम नूं अलटाउण मगरों बरतानिया के बेड़े नूं रोकण खातर नेड़े दे समुंदरी कंढ्यां उपर हमला करन लई डेनमार्क, हॉलैंड ते नार्वे दे सारे कंढे मान लए। नार्वे दे शहर ओस्लो उत्ते कब्जा करन लई जर्मन फौजां ने चलाकी नाल अगे अगे बैंड वाजिआं नूं वजाया। लोग तमाशा देखण लई घरां विच्चों बाहर निकल के वाजे दे सुरां नूं सुनण लग पए ते जर्मन फौजां ने सब नूं मस्त करके बिना गोलियां चलाया ही ओस्लो उत्ते कब्जा कर लिया। भाव के लोगों की है रौला गौला सुनना पसंद है, भावें उसका इन्हों में नुकसान ही हो जाए। लेखक कहता है कि सारा मसला अगले नूं झुरलू मार के कमलिया करन दा है। जिथे दो आदमी टक्करदे हन उत्थे उही सवाल उठता है कि केड़ा एक दूजे नूं उल्लू बना सकता है ते किवें। मनुख दे जानवर वांग नौंदरा नहीं, इस करके वह फरेब जां नीति नाल विरोधियों नूं दबाउंदा रहिंदा है। इस पक्ष तो परे होकर हथियारों की वरतों करता है। जिहड़ा फरेब नाल दूजे नूं काबू करे वह सभ्यक कहाउंदा है, ते जिहड़ा बातां ना करे सीधी मतलब की गल करे वह असभ्यक कहाउंदा है। इस पक्षों साडा देश भी बहुत रौले वाला देश है। साडे देश विच दूजिआं नूं कमले करन दे वींगे टिड्डे तरीके वरते जाते हैं। इत्थे संघ पाड़न वर्गे सब तो सस्ते घट खेचल वाले तरीके वरते जाते हैं। निक्की जिही चीज़ पर कलाकारी का संद बहुत है। इस नाल राग छेड़ के जां हाल दुहाई पा के बथेरे इकट्ठ कर ले जाते हैं। जिहड़ी चीज़ होर किसी तरीके नाल नहीं वेची जा सकती वह संघ पाड़न विच अद्धे घंटे विच ही वेच के लांभे हुंदा है। इस गल्लों साडा देश बड़ा सस्ता ते संकोची ढोल ढमक्के वाला देश है। इत्थे अजे सवेरा हुंदा ही है कि ढोल वाजा ते दूजा टल सड़कां उत्ते आ के सारे जोर नाल साजो सजान वजाउंदे होए लोगों नूं अपना माल खरीदण लई उकसाउणा शुरू कर देंदे हन। इन्हां दे नाल लोगों नूं सवेरे अपने काम धंधे बारे शांति नाल विचार करन दा मौका नहीं मिलदा। इन्हां दा असल काम साडियां जेबां फोलण दा हुंदा है अते इह ढीठ सवेरे ही अपना काम आरंभ कर देंदे हन। 10 कु बजे दफ्तर ते कचहरियां खुल जांदियां हन। बाबूआं दे कुर्सियां सिद्धियां करन तक रेडियो आरंभ हो जांदा है। हर दुकानदार एक दूजे तो उच्ची रेडियो बजाउण दा यतन करता है। राम रौले दी मंडी बन जाती है। बाजार विच सहज सुभा कोई गल नहीं कीती जा सकती। शाम नूं फिर छाबड़ी वाले ते रेहड़ी वाले बच्चिया खुचिया माल वेचण लई रज रज के रौला पाउण लगते हैं। जदों दी आज़ादी आई है लगता है रौला पाउण दी भी पूरी आज़ादी हो गई है। रेडियो ते लाउड स्पीकर नाल पता नहीं वायुमंडल का की हुंदा होएगा, पर साडे कन्न ते दिमाग विन्ने पए हैं। जिस देश नूं बिरशां हेठ बैठे मुनियां ते तपस्वियां ने शांत चित घट बोलण वाले बनवासियां दा देश कहा जांदा है, पर अज उत्थे पता ही नहीं कि चुप ते शांति की हुंदी है। जिन्ना रौला साडे बाजारां विच पैंदा है इन्ना तां गिद्दड़ चिड़ियां जां कां वी किसे हालत विच नहीं पाउंदे। असल विच असीं सुभाविक ही उच्ची बोलण वाले बनदे जा रहे हाँ। रौले तों बिना साडा सरदा नहीं है, मतलबी लोक चुप चपाते इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। जेकर यही हालत रही तो साडी सुनन शक्ति की सूखमता जाती रहेगी। पशुआं की सूंघण सुनन ते देखण की शक्ति इस करके सूखम हुंदी है क्योंकि वह कुदरत की चुप शांति एकांत विच वसते हैं। आदमी नूं जिस सारे सूखम भावों का जोड़ कहा जाता है ढोल ढमक्के ते रौले विच रह के खौरा ते डंड पाऊ बन रहा है। बेटे इत्थे उन्होंने अपने देश भारत की गल की है कि भारत किन्ना रौले गौले वाला देश है। आपां नूं भी पता है आपां उच्ची किन्ना बोलते हाँ, जदों कि आपां कोई भी गल हौली कह के भी बोल सकते हैं, पर साडा सुभा ही इस तरह का बन गया कि सानूं उच्ची बोलना। बच्चे जदों क्लास च हुंदे आ किन्ना शोर करते हैं, रौला पाउणा उन्हां नूं वधिया लगता है। बाजार च जांदे रहांगे तां वी रौला पाउणा वधिया लगता है। तो लेखक ने इस तरह साडे देश नूं ढोल ढमक्के वाला देश दस्सिया।